चैनल। सो गाइस आज का जो व्लॉग है वो आप थंबनेल एंड टाइटल से समझ गए होंगे। एंड गाइस आज के व्लॉग के लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पहली बार अपनी लाइफ में ये करने जा रही हूँ। यस गाइस, मैं पहली बार अपने ऊपर मराठी लुक करने जा रही हूँ, क्योंकि कल है गणेश चतुर्थी। फाइनली कल गणपति पापा हमारे घर आएंगे एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनके इनको बुलाने के लिए। इसलिए मैं अपने ऊपर करने वाली हूँ मराठी लुक, एंड ये मैं फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ। मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कैसे इसको करने वाली हूँ और वो मेरे ऊपर कैसा लगने वाला, तो ब्लॉग को देखते जाना एंड प्लीज़ बताते जाना कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। और मैं बहुत नर्वस भी हूँ कि आप लोगों को पता नहीं पसंद आएगा या नहीं आएगा। एंड अगर पसंद आता है ना, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आपको लेके चलती हूँ एंड देखते हैं कि मेरा लुक कैसा जाता है। लेट्स गो गाइस, आई एम डन विद माय फाउंडेशन। मैंने फाउंडेशन लगा लिया है एंड उससे पहले मैंने बस जस्ट कंसीलर लगाया है। और फाउंडेशन लगाने के बाद कितने चिट्टे चिट्टे से लगने लग जाता है ना हमारा फेस एकदम से, लड़कियाँ समझ सकते हैं। तो लेकिन हम ब्लशर कॉन्टोर करने से पहले मैं अपनी आई लुक करने वाली हूँ। आई लुक में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, बहुत सिंपल रखने वाली हूँ। जिस करने के वाली हूँ मैं कि एक मैं लेने वाली हूँ ब्लैक कलर आई शेडो में, उसको मैं अपने बिल्कुल लैशेज के पास से बिल्कुल क्लोज लगाने वाली हूँ, ताकि वो थोड़ा सा स्मोकी लाइनर जैसा लगे बना के। सो गाइस, मेरी आई लुक हो चुकी है ऑलमोस्ट कंप्लीट। मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही ब्लैक ब्लैक से थोड़ा सा स्मोकी सा इफेक्ट क्रिएट करना था। और एक सीन हो गया जो मेरे साथ हमेशा ही होता है, मेकअप करते करते मैं लेंस लगाना भूल गई और मैंने आई मेकअप कर लिया, मेरे को लेंस लगाने। सो गाइस, फटाफट से लेंस लगाना करते हैं शुरू। और मेरे लिए लेंस लगाना इतना मुश्किल है जैसे हाथी को चड्डी बनाना। सीरियसली गाइस, बहुत दिक्कत होती है, तो मैं भी लेंस लगा के आ रही हूँ। और देखा, लेंस लगाने के बाद मेरी हालत होती है कुछ ऐसी, नाक से पानी, आँख से पानी, कान से पानी, मुंह से पानी, मेरे भाई हर जगह से पानी निकल जाता है। और मैं अपना बेस कर लेती हूँ ख़राब हर बार की तरह। तो बेस को ठीक करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कंसीलर, और अपनी आईज़ के नीचे ढंग से कंसीलर लगाऊँगी ताकि मेरे अंडर आईज़ कवर हो जाए। और ये मैं लाई थी नया कंसीलर, इसलिए इसमें से कुछ नहीं निकला। तो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो और निकलेगा। इसके बाद इसको अपनी आईज़ के नीचे लगाऊंगी ताकि मेरे सारे डार्क सर्कल्स जो थोड़े बहुत हैं वो कवर हो जाए। नोज़ के ऊपर लगाऊंगी, और जो भी मतलब पॉइंट्स मुझे हाईलाइट करने हैं, क्योंकि ये मेरे टोन से एक शेड या दो शेड लाइटर है। तो गाइस, कंसीलर को लगाने के बाद इसको करेंगे अच्छे से ब्लेंड। और ब्लेंड करने के बाद मैंने अप्लाई करा है एक क्यूट सा प्यारा सा ब्लशर। एंड ब्लशर लगाना मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है मेकअप का, क्योंकि इसको लगाने के बाद यू नो फेस बहुत अच्छा लगने लग जाता है। एंड ये मैंने लगाया कॉन्टोर, और यहाँ मुझे नहीं लगाना था, कर दिया ख़राब। कॉन्टोर मुझे लगाना था अपनी नोज़ के पास, क्योंकि ये ब्रश जो है वो काफ़ी प्रिसाइज है, तो इसको मेरे को नोज़ के पास इससे कॉन्टोरिंग करनी थी और मैंने कर दी चीक्स के पास। चलो कोई बात नहीं, इतना थोड़ा बहुत गलती तो चलती रहती है। अब अच्छे से इसको मैं कॉन्टोर करूँगी, और ये मेरी वीडियो कर दी ख़राब। एक तो शूट भी नहीं कर रहा, मैं शूट भी खुद कर रही हूँ, ऊपर से वीडियो भी ख़राब कर दी। सो गाइज, अच्छे से फिर इसको कॉन्टोर कर लिया, हाईलाइटर लगा लिया, और पूरा डन हो चुका है। अब मैंने एक ब्रश लिया है फाउंडेशन ब्रश, और उसको पूरे फेस पे आराम आराम से पैट कर दूंगी ताकि अगर कोई भी गलती हुई है तो वो ठीक हो जाए। इसके साथ ही मैं आईब्रोज करना भी भूल गई थी, तो मैंने अपनी आईब्रोज भी कंप्लीट कर दी हैं। तो एक बार कमेंट कर देना कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन। ओ नहीं, लिपस्टिक नहीं, अभी तो पाउडर लगाना भी रह गया है, क्योंकि पाउडर लगाना गर्मियों में सीरियसली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना स्वेट आएगा तो सारा मेकअप ब्लेंड हो जाएगा। मैंने आईज़ के नीचे काफ़ी अच्छे से पाउडर लगाया ताकि मैं अपने आईज़ बेक कर सकूं, अंडर आईज़ बेक कर सकूं, एंड पूरे फेस पे भी मैं थोड़ा थोड़ा अच्छे से पाउडर जो है वो लगा दूंगी, क्योंकि गर्मियों में सीरियसली गाइज पाउडर के बिना मत बाहर जाना, वरना आपका जो मेकअप है वो ट्रांसफ़र होगा। एंड पूरे फेस पर अच्छे से लगाने के बाद जस्ट अब मैं थोड़ा सा ब्लशर ऊपर से और लगाने वाली, क्योंकि जैसे मैंने पाउडर अप्लाई किया था तो ब्लशर जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था और वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। तो जरा सा ब्लशर लेकर पूरे फेस पे जहाँ जहाँ मुझे लगाना है, एंड इट्स डन। अब बारी आती है लिपस्टिक की। सो गाइस, ये मैंने लिपस्टिक लगानी शुरू की थी, और उसी टाइम पर मम्मी ने मुझे खाने को बोला, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो अब मैं खाऊँगी सैंडविच, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ, बाय। और ये देखो मैं खाने में कितनी ज़्यादा मगन हो चुकी हूँ, क्योंकि गाइज मेकअप करते करते मुझे इतनी भूख लगती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो अभी मैं खा के आपको अपनी पूरी लुक दिखाती हूँ, एंड ये रही मेरी पूरी लुक। एंड अभी तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट चल रहा है गाइज, मराठी लुक कर रही हूँ, तो ये वाली चांद वाली बिंदी इज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एंड ये मैंने खुद बनाई है, क्योंकि मुझे बिंदी चांद वाली नहीं मिल रही थी,
तो एक बार कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। एंड अभी मैंने जूड़ा भी बना लिया है, बिंदी भी सेट कर लिया है एंड मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी हूँ अब आपको अपनी आउटफिट दिखाने के लिए भी, क्योंकि मेरी आउटफिट भी बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड मम्मी ने मेरा गजरा लगा दिया। तो एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा गजरा कैसे लग रहा है एंड लेट्स गो। अब आपको फाइनल लुक दिखाने की बारी आ चुकी है। तो टेक्स लेने हैं मेरे, तो ले लिए। नहीं आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो, मैं अच्छा लग भी नहीं सकता अगर मैं अच्छा लग भी रहा हूँ। क्या बोल रहे हो, अच्छा लग भी नहीं सकता, लग रहा हूँ मतलब कैसी सीधा बोलो ना। ये क्या कर लिया, तो है एक बार इनको भी बता दो क्या करा आपने। ये यार मैंने सोचा था जब गणपति पापा आएंगे ना इधर ये वाले घर पे तो होगा क्या, पीछे से ना वो बड़ा फरार नहीं होता जो पब में चलता है क्रैकर्स, हाँ, क्रैकर्स टाइप, तो वो जलाएंगे। तो मैं गाड़ी में पड़ा था, मैंने सेल लगाया, मुझे सेल लगाया, मुझे पता नहीं था वो ऑन है, वो गाड़ी के अंदर ही पूरी आग लग गई। और हाँ। मेरा शुक्र है उसका मूड सेट था, गाड़ी के अंदर नहीं था, वरना गाड़ी में कुछ भी हो सकता था, कुछ भी अंदर हो सकता था। और ये पूरा पूरा जल गया, मेरा हल्का सा पट भी जल गया, बट ठीक है वो तो पट भी जल गया। हाँ हल्का सा, वो उसकी चिंगारियाँ वो करी ना गर्म गर्म, तो कुछ उस पर कोलगेट लगा लेते हैं, उतना नहीं जला लेकिन, बट ये अच्छा कुत्ता था, मेरा फेवरेट था ये। बट गाइस आप फिर भी एक बार कमेंट करके बता देना कि अब कैसा लग रहा है। चलो मूड चार्ट मत करो, कोई बात नहीं है, वो छोड़ के ना बाकी टेक ले लेते हैं। बट थैंक गॉड ना कि तुम में से किसी को कुछ ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी में भी थे। तो अब कोई बात नहीं, मूड खराब मत करो, हम गणपति पापा को लेकर आए ना, अब फटाफट से अपर टेक्स देते हैं। आज की आउटफिट जो आपने पूरी देख ली, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। और ये भी ये ना बहुत इरिटेटिंग है, ये बहुत बड़ा है क्योंकि, तो एक बार ना आप कमेंट करके बताना। हाँ ये रेसिपी प्रभी लेकर आया है, खुद बताना कि अच्छी लग रही है नहीं लग रही। बताओ कि पहले कोका वाली लुक ज्यादा अच्छी थी या ये वाली लुक ज्यादा अच्छी है। वैसे ट्रेडिशनली तो यही होता है, लेकिन मैंने, मेरे को ये बहुत मतलब मेरे को आदत है तो मुझे नहीं हो रहा, तो आप लोग एंड गाइस ये वाला व्लॉग अभी इधर खत्म नहीं हुआ, अभी गणपति पापा आएंगे, उनका बहुत मजे करने हैं, बहुत सारी सरप्राइजेज हैं आप सबके लिए भी, सब फ्रेंड के लिए भी। सो गाइस टू बी कंटिन्यू, ओके मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।